हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे राइडर टेल्स। फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे थंबनेल में आपने देखा कि बहुत ही बढ़िया जगह पे मैं आज जा रहा हूं और आपको भी दिखाऊंगा। तो नासिक से लगभग 50-60 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट सप्तशृंगी माता का मंदिर जो है वणी, तो वहाँ से सामने एक बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक बहुत ही बढ़िया एक पहाड़ पे ऐसा होल है पहाड़ को, तो वो आज मैं देखने जा रहा हूँ। मस्त एकदम बहुत ही बढ़िया थोड़ा सा ट्रेक है वहाँ पे एक घंटे का लगभग एक। तो दोस्तों, रोड का अपडेट ऐसा है कि नासिक से जो सापुतारा की तरफ जाता है रास्ता, मतलब गुजरात हाईवे जो है वो सापुतारा की तरफ से बहुत ही बेकार रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है ये, और सिंगल रोड है टोटल। कितने साल हो गए ये रास्ते को, अब तक ये सिंगल रास्ता है और बिल्कुल इसका हालत अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है ये रोड पे, तो भी ये रोड का हालत इतना ख़राब है, ज़बरदस्त ख़राब। तो जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं सावधान हो जाइए, बहुत ही बेकार रास्ता लगने वाला है आपको सप्तशृंगी माता के गढ़ किम में जाने के लिए। ये देखिए कैसी हालत है रोड की, बहुत ही ख़राब रास्ता। लगभग नासिक से 25 किलोमीटर रोड पूरा ख़राब है, लेकिन 25 किलोमीटर के बाद थोड़ा बड़ा रोड आ गया है। तो अगर हम बुरी बात दिखाते हैं तो हम लोग अच्छी बात भी दिखाते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं डिंडोरी। डिंडोरी एक अच्छी मार्केट प्लेस है यहाँ पे नासिक में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ स्पीड ब्रेकर, आठ। दोस्तों, ये है डैम की वॉल, ये है ओजर खेत डैम, ये डैम में से पानी आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे आठ 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 डुले, ये 16 स्पीड ब्रेकर यहाँ पे डाले हुए हैं। ये देखिए ओजर खेत डैम। ये थोड़ा सीनिक रोड शुरू हो गया है यहाँ पे। दोस्तों, एक बात मुझे याद आई, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर की जाए। तो हम लोग यहाँ पे नासिक टू अपना सप्तशृंगी का जो मंदिर है वहाँ तक हम लोग साइकिल पे आए थे जब हम कॉलेज में थे। बहुत मज़ा आया था दोस्तों, तभी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था, रोड यही था, इतना ही था, लेकिन बहुत सुकून था। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, हम लोग वन डे रिटर्न आए थे, मतलब यहाँ से गए नांदूरी में, नीचे साइकिल लगाया, फिर सप्तशृंगी का अभी जो हम लोग बाइक से या कार से ऊपर जो घाट चढ़ते हैं वो घाट नहीं हम लोग गए थे, हम लोग वॉकिंग वो पूरा डोंगर चढ़ के, पहाड़ चढ़ के, मतलब सप्तशृंगी के वहाँ की जो सीढ़ियाँ है वो भी पूरा चढ़ के उतर के, पहाड़ उतर के फिर साइकिल से रिटर्न आए थे। ऐसा कुछ बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था वो। ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो मेमोरीज हो जाती है और वो हमेशा के लिए याद रह जाती है, क्योंकि वो एक अचीवमेंट होता है। इसी तरीके से हमारी ये मोटो व्लॉग है, तभी की जो व्लॉग, वो व्लॉग ही बोलूँगा मैं, क्योंकि तभी खाली फ़ोटो निकालते थे, वही मेमोरी थी स्टिल्स, तो वो भी व्लॉग था। मतलब 90s से हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं वैसे देखा गया तो, और वो मेमोरी स्टिल्स में है, ये मेमोरी विजुअल्स में है, ये भी व्लॉगिंग है, वो भी व्लॉगिंग है। तभी साइकिल पे व्लॉगिंग करते थे, तो ज़रिया चेंज हो गया है लेकिन तरीका वही है अपनी मेमोरी प्रिजर्व करने का। और अभी ये ऐसा था कि फ़ोटोग्राफ जो है उसका एल्बम जो हमारे घर पे आते थे उनको हम लोग दिखाते थे, ऐसे हम गए थे, ऐसे गए थे, लेकिन अभी ये जो जरिया है
यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, तो हम एक क्लिक में पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। मतलब उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी ये चीज़ बढ़िया है, जिनको ये देखना पसंद है, घूमना फिरना, उनको बहुत मज़ा आता है ये देखने के लिए। स्पेशली मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से कुछ है ब्लॉगिंग। तो अगर किसी भी सोशल मीडिया को पॉजिटिव या अच्छी तरीके से यूज़ किया तो हम लोग सबकी भलाई के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ना कि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। तो अभी हम लोग, मैं अभी यहाँ पे लूँगा चाय ब्रेक। अपले अमृत तुल्य में चाय पियेंगे हम लोग। ये अपले है इसलिए चाय पियेंगे यहाँ पे। अपले अमृत तुल्य यहाँ पे चाय पियेंगे हम। तो दोस्तों अभी मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे अपले अमृत तुल्य में चाय पीने के लिए, और मैं अभी पहुँच गया वणी गांव में। तो पहले हम सप्तशृंगी माता का जो मंदिर है उसको वणी ही बोलते थे। ये है एक्चुअल वणी गांव, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमें सप्तशृंगी गढ़ के लिए और मोहनदरी के लिए राइट लेना है, और ये आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ से ये सीधा जाता है सापुतारा के लिए, और ये हम लोग अभी जा रहे हैं राइट लेके नांदूरी के लिए। नांदूरी बोले तो सप्तशृंगी माता का जो पहाड़ है, गढ़ है, उसके नीचे वाला गांव नांदूरी। ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये सीन है। ये सब ऐसी सब बकरियाँ जाती हैं, बहुत ही मस्त लगता है। ये देखिए उनके साथ में ऐसा बहुत ही बढ़िया, क्या मस्त रोड है देखिए ऐसा। और ये पहाड़ देखिए, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट जगह है ये वणी। सप्तशृंगी माता का जो मंदिर है मेरा बहुत फेवरेट है बचपन से, मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे आने को। एक अलग ही वाइब है वहाँ पे ऊपर, मस्त एकदम। पहले तो बहुत ही बढ़िया माहौल था वहाँ पे, अभी थोड़ा कमर्शियल हो गया है तो उस हिसाब से थोड़ा मज़ा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत मस्त था एकदम। हम लोग आते थे वहाँ पे, खाना खाते थे मस्त एक जगह पे। हम लोग पुजारी के घर में खाना खाते थे, दिन भर उधर रुकते थे और फिर शाम को वापिस जाते थे। कभी कभी हम लोग उधर एक रात के लिए रुकते भी थे। और तभी जो पुरानी सीढ़ियाँ है, अभी कभी भी आप आओगे वहाँ पे सप्तशृंगी माता के मंदिर में, तो पुरानी जो सीढ़ियाँ है वो पत्थर से बनी हुई है, और इतना स्लांट है उसको, ऐसे तिरछी है वो सीढ़ियाँ, और ऐसे ऊपर जाना पड़ता है। तो वो सीढ़ियाँ हम लोग पहले छोटे थे तब हम मस्त भाग के ऊपर जाते थे, तभी बिल्कुल सांस नहीं चढ़ती थी, कुछ नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत मज़ा आता था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसलिए रुके हैं कि सप्तशृंगी माता का जो मंदिर है वो साइड में है, ये यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा आगे। और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो वहाँ पे हमें अभी जाना है मोहनदरी। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि आज मैं मेरा A660 लेके आया हूँ साथ में। तो अभी पहला जो ये टर्न से दिखता है, फर्स्ट उसका जो क्या बोलते हैं उसको, पहला नज़ारा
यहाँ से दिखता है, तो यहाँ से मैं आपको एक जूम करके दिखाता हूँ मेरे A660 कैमरा से कि कहाँ पे हमें जाना है। तो ये देखिए जूम शॉट। तो दोस्तों ये है A660 कैमरा का जूम। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि हमें कहाँ पे जाना है। ये पीछे से गाड़ी, ये देखिए यहाँ पे हमें जाना है। ये देखिए ये है मोनदरी का पहाड़ में से ये होल, ये किला भी है। तो दोस्तों यहाँ से आपको मोहनदरी का वो पहाड़ का होल दिखाया, अभी हमें वहाँ पे जाना है। तो वो जो नीचे दिख रहा है वो मोहनदरी गांव है, वहाँ पे हम बाइक लगाएंगे और फिर ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं इतने ऊपर। माता के मंदिर में जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा वहाँ से राइट, तो मेरे ख्याल से यही रास्ता दिख रहा है ये। अरे बाप रे, यहाँ से हमें मेरे ख्याल से लेफ्ट लेना पड़ेगा। दादा ते मोंदरीला जायला इकडनं ना बर। देखिए ये बोर्ड है यहाँ पे और मोहनदरी लिफ्ट। और ये जो होता है ना दोस्तों, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो इसमें पुराने जमाने के उस गांव के जो वीर पुरुष हैं उनकी कहानियां इस पे दर्शाई गई है। ये तराशी हुई होती है लकड़े पे या पत्थर पे, तो जैसे आप ये इस पे देख सकते हो, तो इसका तो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसमें देख सकते हो आप एक बाघ दिखा रहे हैं और नीचे सांप दिखा रहा है। तो किसी ने, वीर पुरुष ने उस गाँव में गाँव के रक्षा के लिए बाघ की शिकार करके वो गाँव का संरक्षण किया है। तो ऐसी कहानियाँ आपको हर एक गांव के स्टार्टिंग में आपको मिल सकती है। आपने अगर किधर देखा होगा तो ऐसे पत्थर के बहुत सारे तराशे हुए ऐसे खंभे जैसे लगाए हुए होते हैं, उस पे से आप सोच सकते हैं कि ये इस गांव में किस तरीके की घटनाएं हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ से हम आए हैं, यहाँ पे हमें जाना है ये अपनी बाइक। ये ऐसा कुछ हमें दिख गया है, इसका स्टोरी मैंने बताया आपको। और ये भी कुछ ऐसा भगवान का कुछ दिख गया, और ये बहुत ही अलग पेड़ है, ये नहीं पहचान में आया है। और ये बोर्ड अभोणा मोहनदरी कनाशी। तो चलिए चलते हैं 2 किलोमीटर और मोहनदरी गांव में। तो ये अभी हम लोग पहुंच गए मोहनदरी गांव में, और ये ऊपर आप बहुत ही नज़दीक देख सकते हैं, यहाँ पे नेढ़ बोलते हैं उसको। और वहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से कुछ लोग दिख रहे हैं ऊपर यहाँ से, तो वो नेढ़ में हमें जाना है। अभी देखते हैं पार्किंग कहाँ पे करेंगे एक बाइक की और कैसे जाएंगे वहाँ पे। ये देखिए 4-5 लोग दिख रहे हैं ऊपर।
तो चलिए अच्छा है। जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर लेके जाएंगे बाइक, और फिर देखते हैं कहाँ तक बाइक जाती है और कहाँ से हमें वॉकिंग जाना पड़ता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइक पार्क करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे मोहनदरी में, ये यहाँ पे हमें जाना है और लोग दिख रहे हैं, और हमने ये यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है ऐसे इस जगह पे। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में मिलते हैं ऊपर चढ़ते समय। वहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, देखते हैं इस। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये A660 से मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे हमें जाना है। कुछ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आज इस तरीके से कुछ। तो चलिए मिलते हैं ऊपर। तो दोस्तों अभी यहाँ से हमने शुरुआत की है ऊपर चढ़ने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए। तो 12:42 हो गए हैं अभी। तो हमने 12:42 पे शुरुआत की है ऊपर जाने के लिए, देखते हैं अभी कब तक पहुँचते हैं ऊपर। नॉर्मली लोग बोल रहे हैं कि आधा घंटा लगता है खाली ऊपर जाने को, लेकिन हमें लगभग एक घंटा लग सकता है ऐसा। तो बने रहिए व्लॉग में, बाकी सूरज देवता की बहुत कृपा है। अभी सूरज देवता नहीं है बिल्कुल एकदम, ये देखिए नज़ारा ऐसा है कुछ। यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुझे किधर भी कहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं एक्चुअली यहाँ पे अटक गया हूँ और बहुत नज़दीक है, मतलब अभी ऐसा समझो कि 100 फीट भी नहीं रहेगा यहाँ से ऊपर। आप देख सकते हो मेरे पीछे। ट्रेकिंग का जो थ्रिलिंग पार्ट है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, दिस इज योगेश तंबट फ्रॉम राइडर टेल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, थैंक यू वेरी मच। और अगला व्लॉग जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग हो गया है ये मोहनदरी के ये नेड़ देखने के लिए। तो अगला व्लॉग जरूर देखिए, थैंक यू वेरी मच।